हेलो फ्रेंड्स, आपन को ओडिशा कम्युनिकेशन ले बहुत बहुत स्वागत। आज भिडियो रे आपन जानि परिबे आज समस्त शिक्षा खबर। चलंतु आज शिक्षा खबर आरंभ करबा। प्रथम खबर आछे जे आपनकर प्रथम रु युक्त 2 पर्यंत कमिबो पाठ्यक्रम, जहा कि ए संक्रांत रे वर्तमान सरकार सूचना दैचंती। प्रथम श्रेणी रु युक्त 2 पर्यंत छात्र छात्री मानकर पाठ्यक्रम चलित वर्ष शिक्षा वर्ष रे कमिबो। कोरोना स्थिति को दृष्टि रे रखि राज्य सरकार एपरि निष्पत्ति नैचंती। एने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अनुमति प्रदान करथिला बेले विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर बुधवार घोषणा करा जायछि। शिक्षानुष्ठान केबे खोलिबो से संबंधर निष्पत्ति नेबा परे केते परिमाण रे पाठ्यक्रम कमिबो से नै विभाग निर्णय करिबो बोली विभागीय मंत्री समीर रंजन दास बुधवार सूचना दैचंती। प्रथम रु अष्टम श्रेणी पई एससीआरटी पक्षर गठन करा जायतबा सिलेबस कमिटी सांप्रतिक दृष्टि रे रखि केते पाठ्यक्रम कमिबो से नै निष्पत्ति नेबो। नवम दशम पाठ्यक्रम संक्रांत माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड गठन करा जायतिबा सिलेबस कमिटी पाठ्य खसड़ा संक्रांत रे निर्णय करिबो। एपर्यंत केबे शिक्षानुष्ठान खोलिबो निष्पत्ति होई नथिबारु केते परिमाण रे पाठ्य खसड़ा कमिबो केते कमिबो ताहाने मध्य सूचना नाही। सेहीपरि आपनकर उच्च माध्यमिक बोर्ड परिषद जेपरि आपणकर सीएचएससी सिलेबस कमिटी पक्षर युक्त 2 रो प्रथम और द्वितीय वर्षर पाठ्यक्रम पई सिलेबस निष्पत्ति करिवो। विभाग पक्षर 3 सिलेबस कमिटी को पाठ्य खसड़ा संक्षिप्त करबा नै अवगत करा जायछि। उक्त कमिटी सिलेबस संक्षिप्त करबा नै काम करूछि। विभागीय मंत्री श्री दास कहिसंती चलित शिक्षावर्ष कोरोना जोगो शिक्षावर्ष प्रभावित होब। एहिभଳି परिस्थिति रे सिलेबस कमाइबा आवश्यकता रहिछि। मुख्यमंत्री एथिनिमते अनुमति प्रदान करितला बेले विभाग ए दिगरे काम करूछि। शिक्षानुष्ठान खोलिबा नै घोषणा करा जिबा परे केते प्रतिशत पाठ्य खसड़ा कटा जिवो से संबंधरे निष्पत्ति निया जिवो। जेउ विषय रे कमा जिवो सेही विषय प्रभावित हेबो कि ए नै मध्य सूचना रखिबो बोर्ड एवं सूचना योग्य केंद्रीय बोर्ड पक्षरु कोरोना जोगो पाठ्य खसड़ा कमाई दिया जायछि। तबे राज्य बोर्ड एजावत पाठ्य खसड़ा कमाई नाही, तेणु वर्तमान समय रे पिला मानकर पाठ्य खसड़ा कमिबो। एहापर आपणकर आछि ऑनलाइन पाठपढ़ार वंचित गरीब छात्र छात्री। जेपरि आपण माने जानिचंती सरकार वर्तमान समय रे पिला मानक ऑनलाइन जोगे पाठ पढुचंती, किंतु गरीब लोकन पाखरे मोबाइल फोन बा इंटरनेट सुविधा नथिबारु सेमाने बहु असुविधार सम्मुखीन होउचंती, जहा द्वारा कि सेमाने पाठ पढिबारे असुविधा अनुभव करूचन। सेतपई वर्तमान समय रे सेमानक पई ऑनलाइन पाठपढ़ा गोटे बाधक साजुची, जहाद्वारा कि सेमाने ऑनलाइन पाठपढ़ारू वंचित होउचंदी। देखंतु फ्रेंड्स, कोरोना जोगु क्षतिग्रस्त होइचे शिक्षा व्यवस्था। गोटे पटे जनजीवन सुरक्षा कथा उडुतला बेले अन्य पटे कमलमती छात्र छात्री मानकर भविष्यत। कोरोना महामारी प्रकोपरू केंद्र एवं राज्य सरकार सबु शिक्षानुष्ठान बंद रखिचंती। पिलांक भविष्यत को नहीं सरकार पक्षर किछि समाधान सूत्र आसी नाही, जहाको आपणैचे सरकारी एवं बेसरकारी शिक्षानुष्ठान ऑनलाइन पाठपढ़ा आरंभ होइचे। सरकार ऑनलाइन पाठपढ़ा निर्देश दैचंती सत, किंतु वास्तविक चित्र कोन ता सरकारी अधिकार को अजना। जिलार विभिन्न दुर्गम अंचलवासी शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन पानीय जल मौलिक समस्या सहित संग्राम कर सेठारे मोबाइल टावर नहीं। खोर्धा जिलार आपणकर विभिन्न अंचल एमती अच्छी जोटी कि मोबाइल नेटवर्क सुविधा नहीं। ऑनलाइन पाठपढ़ा भी यही अंचल छात्र छात्री निकट में पहुँची पारना। जो अंचल में मोबाइल नेटवर्क आसूची सेठाकर अधिकांश छात्र छात्री मैंने गरीब होने ऑनलाइन शिक्षार वंचित होते। से स्मार्टफोन ना जहाँकि बर्तमान समय ऑनलाइन शिक्षापी यह गोटे बाधक साजिचे, जहाद्वारा कि लोक माखे ना स्मार्टफोन अच्छी ना अधिकांश एरिया नेटवर्क भल भाव आसीपार, द्वारा कि पिला माने ऑनलाइन पाठपढ़ारू वंचित होउचंदी। परवर्ती खबरटी आछि आपनकर ऑनलाइन ले आईटीआई एडमिशन। आपण माने जानिचंती सरकारी बेसरकारी आईटीआई अछि जो सेतिर एडमिशन करा जिवो, जहा कि आपनकर ऑनलाइन माध्यम रे एडमिशन करा जिवो। एडमिशन किपरि हबो म आपण कहि रखुची। राज्य रे थिबा सरकारी ओ बेसरकारी आईटीआई गुडिकर नाम लेखा लागि विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। 2020-21 शिक्षावर्ष पई साम्स वेबसाइट रे पिला माने ऑनलाइन आवेदन करिवे। एथि पई आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइछि। नियम अनुसार अगस्त 1 तारिख सुधा पिलामानकर 14 वर्ष बयस होइतबा दरकार एवं सेमाने जेते बयस हेतले भी आवेदन करि पारिबे। विभिन्न इंजीनियरिंग और अण इंजीनियरिंग ट्रेड पर सर्वनिम्न शिक्षागत योग्यता 10वीं एवं 8वीं पास रही। देखो ये संपर्क में आपणकर ऑफिशियल पोर्टल जेपरी www.samsodisha .gov.in किंबा आपनकर www.dtt.odisha.gov.in ले उपलब्ध अछि। आग्रही छात्र माने उक्त दुई वेबसाइट को लॉगिन करी ऑनलाइन आवेदन करि परिबे। आवेदनकारी छात्र छात्री साम्स ऑनलाइन ले आमलेखा प्रक्रिया रे मैट्रिक मार्क एवं जातिगत प्रमाणपत्र दे ऑटो वैलिडेशन करि परिबे। देखंत फ्रेंड्स, जो माने ऑटो वैलिडेशन करि पारु नथिबे से माने निकटस्थ नोडल सेंटर को जाई निजर आवश्यक डॉक्यूमेंट सहित निजर एप्लिकेशन फॉर्म को दाखल करिवे। अधिक विवरणी छात्र छात्री मानक पई सहायता हेल्प फ्री माने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर रखा जाईची, जेपर आपणकर 155335। देखंत फ्रेंड्स, आपणक पई रहिची नंबर 1555335 किंबा आपणकर 180034567770 यही नंबर आप जोगाजोग करें। एथिसहित निकटस्थ आपंकर सरकारी आईटीआई रे जोगाजोग करी कुशल कारीगर होगापी आपड़ सुजोग नेबा को वैषयिक शिक्षा एवं तालीम निर्देशालय पक्षर सूचना मिली। वर्तमान समय जदि आपण मैंने आईटीआई करने इच्छुक अच्छा तेज ऑनलाइन आवेदन करें। परवर्ती शिक्षा खबरटी रही बिना स्वीकृति चली घर विद्यालय। दिन कु दिन राज्य में नूतन इंग्राजी मध्यम विद्यालय प्रतिष्ठा होबार लागिछि। बहु घरोई विद्यालय स्वीकृति पत्र नथाई परिचालित होछि। एही शिक्षानुष्ठान विरुद्ध रे कोन कार्यानुष्ठान निया जिवो ता रिपोर्ट मागिछि प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय। एने राज्यर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को आपणकर जुग्म सचिव चिठी लिखिछन्ती। चिठी रे उल्लेख करा जाइछि जे राज्य रे बहु घरोई स्कूल बिना सीओआर एहा सहित आपण सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन रे चलीछि। निज जिला रे केते विद्यालय रही सेमानक विरुद्ध रे कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करायछि तार तालिका प्रस्तुत करिवो शिक्षा अधिकारी। एही प्रसंगे पूर्व निर्देशालय पक्षर आपण 2019 मार्च 16 एवं 2018 नवेम्बर मासरे विज्ञप्ति जारी होइतिला। सबु जिला शिक्षा अधिकारी को सीओआर नथिबा विद्यालय विरुद्ध रे कारण दर्शा नोटिस करिवा सह कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को निर्देश दिया जायतिला। तेबे एपर्यंत विभाग निकट रे जिला शिक्षा अधिकारी माने रिपोर्ट दाखल करिनाहंती। विद्यालय गुड़िकर नामलेखा आरंभ होइथिबार निर्देशालय पक्षर यह प्रसंग में गंभीरतार सह निया जायछि। जिला शिक्षा अधिकारी कौन कार्यानुष्ठान नैचंती ओ केते विद्यालय कारण दर्शा नोटिस जारी करिसन ता रिपोर्ट निर्देशालय निकट तुरंत दाखल करने को चिठी में उल्लेख रही। रिपोर्ट मिलवा पर उल्लंघनकारी विद्यालय विरुद्ध में निर्देशालय पक्ष दूर कार्यानुष्ठान निजी जनापड़ी। कहीं राज्य में वर्तमान समय अनेक विद्यालय बिना स्वीकृति चली जहाद्वारा कि पाकर भविष्य बाजी में लगुच। परवर्ती शिक्षा खबरटी आपंपाई रही झुलुची यूजी पीजी परीक्षा निष्पत्ति। वर्तमान समय यूजी एवं पीजी परीक्षार निष्पत्ति झुलुची कहीं वर्तमान समय केंद्र सरकार जेतेबेले आपणकर परीक्षा को बातिल करथिले राज्य सरकार पुणी ए परीक्षा को ओडिशा रे बातिल हेबो बोली मध्य घोषणा करथिले। वर्तमान समय केंद्र सरकार पुणी कहिछि जे आपणकर परीक्षा करा जिवो, किंतु वर्तमान समय राज्य सरकार कहूछि जे आमे परीक्षा करि पारिबो नाही काहेकि ना एहिपरि परिस्थिति रे एमिति खबर को नहीं पिलामानकर भविष्यत झुलुची एवं यूजी पीजी परीक्षा निष्पत्ति झुलुची वर्तमान समय रे। देखंत फ्रेंड्स, वर्तमान समय आपनको 2019-20 शिक्षावर्ष स्नातक एवं स्नातकोत्तर बा यूजी पीजी शेष सेमिस्टर परीक्षा बातिल राज्य सरकार निष्पत्ति नैथिले। एने विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश करने सह विकल्प मूल्यायन प्रक्रिया मार्क प्रदान करने को शिक्षानुष्ठान निर्देश दिया जायतिला। चलित मास 6 तारिख रे यूजीसी पक्षर परीक्षा करने को कहुला। यह विरोध कर राज्य उच्चशिक्षा मंत्री अरुण कुमार साहू केंद्र मानव संबल विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निश को निकटरे चिठी लिखिले। इतिमध्य 15 दिन होते राज्य उच्चशिक्षा विभाग पक्षर कौन सूचना मिले ना। अपरपक्ष यूजीसी पक्षर कहुए किसी दिन पूर्व आपणकर एसओपी प्रकाश करानुसार परीक्षा किंतु राज्य सरकार तरफ कौन भी सूचना मिलनी जहाद्वारा कि झुलुची पीजी एवं यूजी परीक्षार निष्पत्ति। आज भिडर आपंपाई यही शिक्षा खबर। निहाती भिडियो को लाइक करेंगे। एमती प्रत्येक दिन आम आपण किसी शिक्षा खबर नहीं आसबू। थैंक यू। जय जगन्नाथ, जय ओडिशा।